This is a color comparison video of Suzuki Gixxer SF, जो तीन कलर्स में अवेलेबल है, मेटालिक सोनिक सिल्वर, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और तीसरे कलर का नाम है रेसिंग ब्लू, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के कुछ काम आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट रेगुलरली मिलता रहेगा। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत मेटालिक सोनिक सिल्वर कलर से करते हैं, तो ये कलर डेफिनेटली आपको एक रिच एंड प्रीमियम लुक ज़रूर देता है। ये कलर इस गाड़ी की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा उभार रहा है, तो पहली झलक में ही आपको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड जस्ट मे बी बिकॉज इस 150 सेगमेंट में आपको ये कलर ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिलता है तो इस प्रकार का रिचनेस जो सुजुकी ने जिक्सर SF में दिया है वो नहीं देखने मिलता है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में, तो इस सिल्वर कलर में ग्राफिक्स को प्लेन एंड सिंपल रखा गया है। आपको सिर्फ साइड वाइजर में ग्राफिक्स देखने मिलेगा, जिसमें सिल्वर के अपटोन में जिक्सर स्प्रेड आउट लिखा हुआ है और उसके सेंटर मोस्ट मिडिल में ब्लैक कलर का जिक्सर SF मिलेगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे कलर के बारे में। इस बाइक में जो ब्लैक कलर का वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है कि आपको SF 150 में ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा और वहीं पर आपको SF 250 में मैट ब्लैक देखने मिलता है। ये जो ग्लॉसी ब्लैक है वो इस 155cc में ग्लास स्पार्कल ब्लैक के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस ब्लैक कलर में अगर ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इसके साइड पैनल्स में जिक्सर स्प्रेड आउट लिखा हुआ है और उसके सेंटर मोस्ट मिडिल में जिक्सर SF वाइट कलर का आपको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट और न्यू कलर के बारे में। रेसिंग ब्लू कलर इस बाइक में थर्ड कलर ऑप्शन के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले सुजुकी जिक्सर SF में दो कलर ऑप्शन आते थे, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और दूसरे कलर का नाम था मेटालिक सोनिक सिल्वर। इन दोनों ही कलर में आपको ग्राफिक्स कुछ इम्पैक्ट वाले नहीं मिलते थे, पर इस नए रेसिंग ब्लू कलर में आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट वाला ग्राफिक्स देखने मिलेगा, जिसमें सुजुकी जो ब्रांड है उसका इम्प्रिंट फ्यूल टैंक से शुरुआत होते हुए आपको पूरे वाइजर में स्प्रेड आउट देखने मिलता है। और इसमें जो जिक्सर SF दूसरे दो कलर में लिखा हुआ था वो अब ऊपर शिफ्ट होके आपको वाइजर की खूबसूरती में एक स्टेबिलिटी दिखाता है। फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और इस व्हीकल में आपको फुल LED हेडलैम्प्स का सेटअप देखने मिलता है। तो इस कलर के अगर फर्स्ट ग्लैंस से लेकर ऑल ओवर ग्राफिक्स को परखा जाए तो हाँ, ये डेफिनेटली आपको एक रेसिंग स्पोर्टी लुक ज़रूर देता है। अब ओवरऑल बाइक के स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो इस बाइक के इंजन का डिस्प्लेसमेंट 154.9cc है और ये एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो आपको मैक्सिमम पावर 13.9 bhp का देता है और वहीं पर आपको मैक्सिमम टॉर्क 14 Nm का देखने मिलता है। इसमें जो टोटल गियर्स हैं वो आपको 5 मिलेंगे और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर्स का मिलता है। इस बाइक के डायमेंशंस को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो 2025 mm का है और इसकी चौड़ाई आपको 715 mm की देखने मिलेगी। इसका जो ओवरऑल हाइट है वो 1035 mm का है, पर एक सीटिंग कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो सीट हाइट काफ़ी परफेक्ट है और इसकी ऊंचाई आपको 795 mm की मिलेगी। और इसका जो टोटल कंप्लीट जो वेट है वो आपको 146 kg का मिलता है। सो दिस इज़ अ कलर कंपैरिजन वीडियो। आने वाले कुछ दिनों में आपको सुजुकी जिक्सर के नेकेड वर्जन और सुजुकी जिक्सर के 250 का भी कलर कंपैरिजन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को सो दैट यू विल बी इन टच।